पापा मैं जानता हूँ आप बहुत गुस्से में, लेकिन मुझे डांटने से पहले मेरी कुछ बातें सुन लीजिए प्लीज। वीरेंद्र, अब तुमने कुछ कहने सुनने लायक छोड़ा ही कहा है। मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहने में शर्म आ रही है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है पापा कि मैं आपका बेटा हूँ, उस पापा का जिसने सुमन भाभी को अमित के लिए पसंद किया था। क्या मेरे पापा का वो तजुर्बा, वो पसंद गलत थी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना पापा। लेकिन तुमने हमारा भरोसा तो तोड़ा ही ना। मैंने आपका कोई भरोसा नहीं तोड़ा पापा, ये काम तो चाचू और सुरेंद्र भैया ने किया है। मैंने तो सिर्फ आपकी पसंद पर अमित की शादी की मोहर लगाई है। उस लड़की के साथ जिसे परिवार में कोई पसंद नहीं करता है, तो मैं अपने अमित के लिए कोई और लड़की नहीं मिली वीरेंद्र। चलिए पापा, कोई और लड़की मिल भी जाती लेकिन क्या गारंटी थी कि वो प्रांजल भाभी जैसी नहीं निकलती? पापा, किसी अनजान लड़की की बजाय आप सुमन भाभी पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसी लड़की की बहन ने हमारे परिवार में भरोसा नाम के शब्द को भरोसा लायक नहीं छोड़ा है। लेकिन पापा, पांच उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। लेकिन जिनका खून एक होता है ना, उनके गुण और अगुण भी अक्सर एक से होते हैं। अमित के प्यार के बुखार ने तुम्हें गलत निर्णय की ओर मोड़ा है वीरेंद्र। पता नहीं तुम्हारे इस गलत निर्णय का असर हमारे परिवार पर कब और कहां तक रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, क्योंकि मुझे अपनी सुमन भाभी पर पूरा भरोसा है। और ये भी विश्वास है पापा कि जिस डिसीजन की वजह से आज आप मुझे डांट रहे हैं ना, एक दिन उसी डिसीजन के सही साबित होने पर आप मेरी पीठ ठोकेंगे पापा। हेलो मामा। हाँ, क्या हुआ? क्या पेशर्मी की भी हद होती है। अब क्या हुआ प्रांजल? तुम्हें पता है सुरेन, सुमन अमित के साथ वापस आ गई है और उसने पापा को फोन करके ये भी बता दिया कि वो अच्छी तरह वापस आ गई है। हिल स्टेशन गई थी ना, अच्छी तरह आ गई है। अरे, इतनी इंसल्ट होने के बाद वापस आने की जरूरत क्या थी उसे? वहीं रुक जाती। प्रांजल, अगर सुमन वापस आ गई तो उसे आने दो ना। तुम परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि सुरेन, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सुमन वापस क्यों आई है, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। लेकिन मुझे परेशान करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा नाम प्रांजल है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बड़ी माँ? तुम अंदर आ चुकी हो सुमन। बड़ी माँ, मुझे इस घर के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया ना, ठीक ही किया। लेकिन क्या आप भी मुझसे नाराज हैं? ये मुझसे कौन बोल रहा है? मेरे अमित की पत्नी, जबरदस्ती बनी हुई एक बहू या एक बेटी? बाकी सारे रिश्ते बाद में बड़ी माँ, सबसे पहले मैं आपकी बेटी हूँ और हमेशा रहूंगी। इसीलिए तुम्हारे होठों पर ये सवाल है सुमन। लेकिन बेटी बेटी होती है, बहू बहू, और माँ माँ होती है। कहते हैं ना, ईश्वर हर घर में तो नहीं बस सकते हैं, लेकिन उसने हर घर में एक माँ बना दी है। ये माँ हालात के शकंजे में जकड़ी हुई एक ऐसी मजबूर औरत का नाम है, जिसके अधिकार चाहे जो भी हो, लेकिन जिम्मेदारियां अनगिनत हैं। और कई बार उसके सामने ऐसे हालात आ जाते हैं कि उसे एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए दूसरी को भूल जाना पड़ता है। लेकिन माँ का दिल तो बहुत विशाल होता है बड़ी माँ, अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया की जिम्मेदारियों को वो अपने कंधे पर उठा सकती है। इस विशालता का एक पक्ष और भी है सुमन, ये माँ एक ईंट को जोड़ने के लिए पूरे मकान को खंडर तो नहीं बना सकती, क्योंकि हर कमरे में अलग अलग सपने सांसें लेते हैं। क्या तुम चाहती हो एक सपना पूरा करने के लिए मैं सारे सपने तोड़ दूं? नहीं बड़ी माँ,
कोई भी समझदार लड़की ऐसा कभी नहीं चाहेगी। शायद प्रांजल भी ऐसा नहीं चाहती सुमन, लेकिन हुआ क्या, सपने तो टूट गए ना। एक सपने को पूरा होते हुए देखने से पहले अगर उसकी तुलना दूसरे सपने से की जाए तो इसे आप क्या कहेंगे बड़ी मां? सावधानी,